ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ कॉस एक्स इक्वल -1/2 एंड पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3π/2, मीन्स एक्स की जो वैल्यू वो पाई से ज़्यादा है, पाई मीन्स 180 से ज़्यादा है एंड 3π/2 मीन्स 270 से कम है। मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 270 डिग्री से क्या है, कम है। देन द वैल्यू ऑफ 2 tan²x + 3 cos²x, तो 2 tan²x + 3 cos²x की वैल्यू क्या होगी, चलिए बात करते हैं। देखिए क्या है, कॉस एक्स इक्वल क्या दिया है बच्चों, कॉस एक्स दिया है -1/2, तो कॉस एक्स इक्वल -1/2, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, 60 की, तो माइनस तो ऐसे लिख दिया, ये हो गया माइनस का कॉस 60 हुआ, और माइनस का कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस 60, कॉस 180 प्लस 60 मीन्स फाइनली क्या हो गया, कॉस 240 डिग्री, क्या हो गया बच्चों, कॉस 240 डिग्री हुआ ना। मीन्स कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई कॉस 240 डिग्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 240 डिग्री, और एक्स की वैल्यू अगर हमें पता चल गई कि 240 डिग्री है तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और जो पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है, देन 2 tan²x देन 2 tan²x + 3 cosec²x, 3 cosec²x, cosec²x, तो चलिए देखते हैं, 2 tan², 240 डिग्री प्लस 3 cosec², 240 डिग्री हुआ ना। चलिए अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, 2 tan², इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्लस 3 cosec², 180 प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 tan 180 + θ क्या होता है, tan 180 + θ tan θ होता है, तो 2 tan², 60 बन गया, 2 tan², 60, cosec 180 + θ माइनस का cosec θ होता है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -3 cosec², 60 डिग्री क्या हो गया, माइनस का cosec², 60 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रखो, टेन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होते हैं, √3, तो 2 × √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, -3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 2√3 का स्क्वायर 3, तो 2 × 3 -3 × 2² = 4 √3² = 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6 -4, 6 - 4 मीन्स फाइनली आंसर क्या आ गया, 2, तो इस तरीके से इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2। तो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है इसका, 2 आ रहे हैं, और ये हो जाएगा 2 tan², 180 + θ, टेन 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 3 हो गया, 2 × √3² -3 cosec 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, तो 2² ये 4 हो जाएगा, √3² 3, तो 3 × 4/3, तो 2 3 = 6, 6 - 4 आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 आंसर तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, फाइनली 2 ही आएगा, ये ऑप्शन बेशक नहीं दिया है बट इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस कैसे सॉल्व किया गया वो हमने देख लिया, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 240 डिग्री, वैल्यू यहाँ पर रखी तो 2 tan²x था, तो 2 tan², 240 डिग्री हो गया, प्लस 3 cosec², 240 डिग्री हो गया, tan 240 को लिख सकते हैं 180 + 60, तो 2 tan², 180 + 60, 3 cosec², 180 + 60 डिग्री, 2 tan 180 + θ क्या होता है, tan θ, तो 2 tan², 60 हो गया, -3 cosec², 30, क्योंकि cosec 180 + θ माइनस का cosec θ होता है, तो
तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर बाई रूट 10, 60 की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर होता है माइनस 3 कॉस 6, 60 की वैल्यू होती है 2 बाई रूट 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 ये कैंसिल, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस चल रहा है भाई, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, सही कह रहे हैं, तो आगे ये माइनस हो जाएगा तो ठीक ओके। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपियर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। एक काम करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि बी को जो मार्क्स मिलते हैं, बी को मार्क्स मिलते हैं एक्स, देन ए को मार्क्स कितने मिलेंगे, इससे 8 ज़्यादा मिल रहे हैं तो ए को मार्क्स बच्चों कितने मिल जाएंगे एक्स प्लस 8, क्लियर है ना। ए को कितने मिल रहे हैं एक्स प्लस 8। फिर कह रहे हैं ए को बी से 8 अंक, पूर्ववर्ती का अंक एंड इंग्लिश में क्या लिखा है, ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ द फार्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर, ठीक है। और ये जो दोनों के अंक हैं, दोनों के अंक मतलब सम, तो x प्लस 8 हो गया, इसका 55% 55% मींस 55/100 ये इक्वल है किसके, x के इक्वल है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 11, 5 से डिवाइड करेंगे 20, 11/20 इधर आ गया, तो 20x इक्वल क्या हो गया x प्लस एक्स 2x प्लस 8 इंटू 11, कितना हो जाएगा 20x इक्वल हो जाएगा 22x प्लस 11 एट जाए 88। अब 22x में ये 20 माइनस करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर a की बात कर रहा होगा, और अगर a की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखिए ए के मार्क्स कितने हैं एक्स प्लस 8 हैं, है ना, और अब इन दोनों के मार्क्स का सम कर दें तो एक्स प्लस 8 ये हो गया अंक, उनके अंकों के योगफल का 55% था, इनके अंकों का योगफल का 55% कर दें तो 55/100 क्या हो जाएगा 100। अब जरा इसको सॉल्व करो तो 5 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 20x प्लस 28 जा 160 इक्वल x प्लस x दैट इज 2x प्लस 8 इंटू 11 हो गया, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 160 इक्वल 11 टू जा 22x प्लस 88, ये होगा, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 160 में 88 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 72। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 36, अगर x की वैल्यू 36 आ गई तो a को मार्क्स कितने मिल रहे हैं x प्लस 8, a को मिल रहे हैं x प्लस 8 मीन्स 36 प्लस 8 मीन्स 44, और b को जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं x, और x का मतलब क्या है 36, तो ए को कितने मिल रहे हैं 44, बी को कितने मिल रहे हैं 36, तो 44 और 36 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा 36 होगा, 36 मार्क्स किसको मिल रहे हैं बी को, और ए को कितने मार्क्स मिल रहे हैं 44, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज 1
50 एंड y परसेंट ऑफ z इज 300, देन रिलेशन बिटवीन x एंड z. यदि y का x प्रतिशत 150 और z का y प्रतिशत 300 है, तो x और y के बीच का संबंध क्या है? देखिए, x यदि y का x प्रतिशत 150, x प्रतिशत मतलब x अपॉन 100, ये कितना है बच्चों? 150 है ना? चले, तो इससे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका y इंटू x अपॉन 100 इक्वल 150, है ना? तो इससे क्या काम कर रहे हैं, इससे हम लोग निकाल लेंगे ये, ठीक है, 150 के इक्वल है, चलो कोई बात नहीं. तो इससे y इक्वल क्या हो जाएगा, इससे y इक्वल हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन x हो जाएगा, है ना? या x इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन y हो जाएगा, है ना? ये हो गया. तो एक इन्फॉर्मेशन हमको ये मिल गई. दूसरा फिर कह रहा है जेड का वाई परसेंट तो वाई अपॉन 100 क्या है, 300 है. तो इससे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इससे जेड की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 100 अपॉन वाई, है ना? ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया. या एक काम करो, यहाँ पे y हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो y की वैल्यू तो ये लिखी है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 इंटू 100 अपॉन जेड. ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना? दोनों को बराबर कर देगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन x इक्वल 300 इंटू 100 अपॉन जेड. 100 से 100 कैंसिल, 50 से डिवाइड किया 3, 50 से डिवाइड किया 6, 1, 2, है ना? मींस 2x इक्वल क्या हो जाएगा, जेड. 2x इक्वल जेड, और यही जेड और x के बीच में रिलेशन है. तो 2x इक्वल जेड कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2x इक्वल जेड, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एन आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फॉर द 5 फाइनेंशियल ईयर्स. दिया गया दंड आरेख 5 वित्त वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी सामग्री के आयात और निर्यात को दर्शाता है. तो क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए जो लाइट ब्लू कलर है ये एक्सपोर्ट मतलब है निर्यात, और ये है डार्क वाला इम्पोर्ट मतलब आयात. अलग अलग वित्तीय वर्ष दिए हैं. तो कह रहा है किस वित्त वर्ष में निर्यातों और आयातों का निरपेक्ष अंतर सबसे कम है. इन विच फाइनेंशियल ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट टू दोज ऑफ द इम्पोर्ट इज द लोवेस्ट. मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो अंतर है, इसका और इसका जो अंतर है, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सब जगह ये अंतर देखेंगे, फिर बताना है कि सबसे कम कहाँ पर है. तो देखो इसका इसका अंतर देखो, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा. यहाँ पे 11 में से 3, 8, और यहाँ 7 में से, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 186. यहाँ पर बात करेंगे तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2. 5 माइनस 1, 4. 12 में से 10 तो 2. यहाँ पर अंतर कितना हो गया, 242. यहाँ पर बात करें कि 11 में 7, 4. यहाँ 5, 5 में से 3, 2. 16 में से 11, 5, 24. यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 1538, 1513 डिफरेंस कितने का, 25 का. यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 8 में से 5, 3, और 5 में से 0, 5, 16 में 3. तो बच्चों सबका डिफरेंस, इस वित्त वर्ष में डिफरेंस इतना है, इस वित्त वर्ष में डिफरेंस इतना है, इस फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस इतना है, इस फाइनेंशियल ईयर में इतना है, और इस फाइनेंशियल ईयर में इतना है. तो सबसे कम पूछा गया, तो सबसे कम आपको दिखाई पड़ रहा है 25. किस वित्तीय वर्ष में है, 2016-17 में. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2016-17 आ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या मतलब था. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ पर्सन परचेस्ड अ व्हीकल फॉर रुपीज 498.28 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 552.920 व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ऑन द व्हीकल। किसी व्यक्ति ने 4,90,828 रुपए में वाहन खरीदा और 5,52,920 रुपए में बेच दिया तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। बच्चों 5,52,000 और कितना है 920 रुपए में बेचा है जबकि खरीदा था कितने में 4,90,828 में खरीदा था तो इतने में बेचा इतने में खरीदा बेचने पे ज़्यादा मिल रहा है खरीदने की तुलना में तो प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट होगा इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 2 11 में से 2 9 8 में से 8 0 और ये आपका बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 है ना। तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है 62092 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर। कॉस्ट प्राइस क्या थी 4,90,828 4,90,828 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे है ना। ये है आपका देखिए 490 मतलब अप्रॉक्सम 500 मान लें और ये कितना है 620 तो 500 का 10% तो ये हो गया आपका 120 ज़्यादा है ना। तो अप्रॉक्स में अगर हम आंसर देख लेंगे तो ये 620 को डिवाइड करना है 500 से है ना तो 500 कम 500 कितना हो गया 120 जीरो 502 10 कितना बचा 200 है ना तो 1200 1200 और ये आ जाएगा 24 कितने परसेंट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों लगभग 120 ज़्यादा है 500 से 120 ज़्यादा है 120 जो है वो 500 का कितना परसेंट है इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 490 62,000 है ना तो 5,012 और ये 620 5,012 काम करते हैं कितना या तो पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये लगभग आ जाएगा आपका भाई 62,000 देखना है 4,90,000 5,00,000 5,00,000 का 10% कितना हुआ 50,000 और बचा आपका 1200 और बचा है ना तो 5 12 5 60 12% के आसपास आ जाएगा और 12% का आंसर क्या दिया है 12.65% है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा 12% के आसपास आ जाएगा 12.4 आ रहा है ना इस तरीके से तो वही आंसर आएगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दिया गया दंड आ रहा है 5% धन किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी सामग्री के आयात और निर्यात को दर्शाता है तो अनुपात कितना है कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात कितना है। क्वेश्चन इसका क्या था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 420 and 60 days रेस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए करता है बच्चों कितने डेज में 4 डेज में बी करता है 20 डेज में और सी करता है 60 डेज में तो 420 और 60 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ गया 60। ए 4 दिन में 60 काम करता है मीन्स 1 दिन में 15 वर्क करेगा ये 20 दिन में 60 काम करता है मीन्स 3 काम करेगा ये 1 दिन में 1 काम करेगा तो सब मिलकर बोला वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द सेम वर्क तो 60 टोटल वर्क इसका 1/3 करेंगे तो 60 × 1/3 मीन्स हमें टोटल 20 काम कराना जबकि 1 दिन में ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं 15
प्लस थ्री 18 प्लस वन 19, एक दिन में 19 काम करते हैं और काम कराना है 20, तो कितने दिन लगेंगे? 20 को 19 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो 19 वन या 19 वन अपॉन 19, वन वन अपॉन 19 डेज, और वन वन अपॉन 19 कहाँ पर आंसर दिया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There was 25% off on shirt. A lady bought that shirt and got an additional 20% discount for paying in cash and further 10% discount for being a loyal customer. She paid ₹405. What was the price tag on the shirt? कमीज पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह कमीज खरीदी। नगद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली और एक वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट मिली। फाइनली उसने ₹405 का भुगतान किया, तो कमीज पर टैग कितने का था? तो लेट कर लेते हैं, कमीज पर जो लिखा हुआ था मार्क प्राइस था वो कितना था? एक्स था, एक्स मार्क किया गया था। अब इस पर 25% की छूट मिली थी, तो कीमत क्या रहेगी? होगी 75%, 75/100, फिर 20% का इसको कैश पेमेंट करने पर छूट मिल गई, तो अब 80% रह गई कॉस्ट, तो 80/100, फिर 10% का लॉयल डिस्काउंट मिला, लॉयल कस्टमर होने का डिस्काउंट, तो मींस अब 90% रह गया, 90/100, तब फाइनली वो कितना पेमेंट कर रही? ₹405 का। तो बस सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 25 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, एक जीरो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 9/10 इक्वल क्या हो गया? 405। 4 से बच्चों ये 4 कैंसिल, 9 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, 4 बचा 9 5 जा, 3 से डिवाइड किया तो 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 10 × 15 कितना हो गया? 5 × 10 50 × 15 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 750। इट मींस उस कमीज पर जो टैग लगा था वो कितने का लगा था? 750 का, और 750 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। देखिए एक्स लिखा था 25% की छूट मिली, 25% की छूट मिलने का मतलब प्राइस कितनी रह गई होगी? 75%, फिर उस पर 20% और, तो 20% छूट और मिल गई, तो अब प्राइस जो भी बन रही थी उसका 80% बचा। इसके बाद 10% की छूट और, तो अब जो फाइनली बन चुका है उस पर 10% और छूट, मतलब उसका भी क्या कर देंगे? 90%। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया, बस कुछ नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन होता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40 द रेशियो बिकम्स 20:17 द सम ऑफ नंबर्स। दो संख्याएं हैं, एक नंबर है बच्चों 7x, तो एक नंबर है 5x, ये दो नंबर्स हैं। इसको भी 40 कम किया, इसको भी 40 कम किया, जब ऐसा किया तो रेशियो कितना बन जाता है? 20:27:17। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17 7 जा 119x माइनस 17 4 जा 680 इक्वल 27 5 जा 135x माइनस 1080, ये तो हुआ। अब 135 में 119 माइनस करेंगे तो 16x आ जाएगा, और 1080 में 680 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 400। तो 16x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। 16x की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 16 × 2 = 32, 8 16 85, x की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 25। और अगर x की वैल्यू 25 है तो कह रहा है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बताना है। तो एक संख्या थी बच्चों 7x, एक संख्या थी 5x, योगफल कितना हो गया? 7 5 12x मीन्स 12 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का जो योग है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 300। और 300 देखिए कहाँ पर आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सिंप्लीफिकेशन, 3 1/5 प्लस 3 बाई फाइव डिवाइडेड बाई 8/5 अपॉन 1 1/7 डिवाइडेड बाई 6/7 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाई 1/5 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 15 1 16/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 8/5 अपॉन 7 1 7 8/7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6/7 माइनस 1/7 इंटू 5/1 ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 16 3 19/5 19/5 इंटू 5/8 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी 5/8 अपॉन 8/7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6/7 माइनस 5/7 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा बच्चों 19/8 अपॉन 8/7 डिवाइडेड बाय 6/7 माइनस 5/7 मीन्स 1/7, तो ये हो जाएगा 19/8 अपॉन 8/7 इंटू 7/1 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल तो कितना हो गया 19/8 8 जा 64 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 19/64, तो 19/64 इस क्वेश्चन का आंसर आया। और 19/64 देखो बच्चों कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में, तो इस जो सिंप्लीफिकेशन का ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ जाएगा 19/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी सी इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाई 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड्स द लेंथ ऑफ बी बाई 9 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल इज 34 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रेंगल, त्रिभुज ए बी सी में बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, ए सी की लंबाई ए बी से 9 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज का परिमाप परिमिति मतलब परिमाप होता है 34 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। देखिए एक ये त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, ये ट्रेंगल है ए बी सी, बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से, बी सी की जो लंबाई ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई हमने मान लिया क्या है एक्स है, तो कह रहे हैं बी सी की जो लंबाई है ए बी की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इसका 2 गुना कितना हुआ 2x, इससे 3 कम है तो 2x-3, ये साइड 2x-3 हो गई, और ए सी की जो लंबाई है ए बी से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो ए बी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा x+9। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो परिमाप निकल आएगा, मीन्स x+2x-3+x+9 इक्वल कितना दिया है बच्चों 34 सेंटीमीटर, तो x और 2x 3x प्लस x 4x माइनस का 3 प्लस का 9 तो प्लस का 6 इक्वल कितना हो जाएगा 34, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 में 6 माइनस करेंगे 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और अगर x की वैल्यू 7 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा देखो बच्चों यहाँ पर यही तो है x ही तो सबसे छोटी भुजा है और x की वैल्यू क्या आ रही 7, तो इस तरीके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:7, इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन, 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 5:7 है, यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए एक ट्रेन की चाल है 5x तो एक ट्रेन की चाल है 7x, अब ये पहली ट्रेन है ये दूसरी ट्रेन है ना,
300 किलोमीटर की दूरी तय करती पहली ट्रेन, पहली ट्रेन किस स्पीड से डिस्टेंस तक तय करेगी, 5x की स्पीड से, तब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है, स्पीड है 5x, तो समय कितना लग गया, 3 घंटे। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 100। भाई 3 से इसको डिवाइड करो तो 100 आएगा, तो 5x की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। और x की वैल्यू अगर 20 है तो सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड बच्चों कितनी, देखो 7x है कि नहीं, मतलब 7 × 20 मीन्स कितना हो गया, 140 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 140 किलोमीटर पर आवर, और 140 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, 10-digit नंबर 1230x558y2 इज डिविजिबल बाई 88, देन द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 5। 1230 नंबर है, 1230x558x558y2 इज डिविजिबल बाई 88। ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये 8 और 11 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब 8 से अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8y2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई, 3। क्यों, 832 जब बनेगा तभी डिविजिबल होगा, अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो 812 डिविजिबल नहीं है, 2 लेते हैं तो 822 डिविजिबल नहीं है, लेकिन जैसी y की वैल्यू 3 लेंगे तो 832 हो जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 3। अब 11 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑड प्लेस पर आए हुए डिजिट और इवन प्लेस पर आए हुए डिजिट का सम बराबर होना चाहिए, तो ऑड मतलब ये हो गया, 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 तो कितना हो गया, 1+3+x+5+y इक्वल होगा, इवन प्लेस पर क्या बचा, 2 बचा, +0+5+8+2, है ना, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9+x+y की वैल्यू क्या हो गई, 3, इक्वल 2, 5, 7, 8, 15, 2, 17, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9, 3, 12, x+12=17, तो x की वैल्यू 17 - 12 मतलब 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, y की वैल्यू क्या आ रही बच्चों, 3, x और y की वैल्यू आ गई, तो पूछा गया है देन 5x+5y, देन 5x+5y कितना हो जाएगा, 5x means 5 × 5+5 × y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है बच्चों, y की वैल्यू क्या आ रही, 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 25 + 15 कितना हो गया, 25 × 15 = 40, ठीक है, यहाँ पर देख लिया, चेक कर लिया, ये 1, 3+x+5+y, 4, 4, 5, 9+x, 9, 3, 12, तो x+12 = 2, 2, 5, 7, 8, 15, 2, 17, तो 17 - 12 x की वैल्यू 5 आएगी, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बच्चों 40 आ रहा है, ऑप्शन में 40 नहीं दिया, बट इसका एग्जैक्ट आंसर 40 ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग 5 वित्त वर्षों के दौरान, निर्यातों और आयातों के बीच निरपेक्ष अंतर का औसत कितना है, तो यहाँ पर अंतर देखना है, अंतर का एवरेज देखना है, तो 8, 4 का 4 नहीं, अंतर है यहाँ पर आएगा 4, 14 में से 8 घटाएंगे, इसमें से घटाओ 14 में से 8 6, 11 में से 3 8, 7 में से 6 ये, यहाँ पर 6 में से 4 2, 5 में से 4 12 में से 10 242, इसमें अंतर देखें तो 11 में से 7 4, 5 में से 3 2, 16 में से 11 5, यहाँ पर अंतर आ गया 25, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 में से 5 3, 5 में से 0 5 3, है ना,
अब इन सबका एवरेज लेना है तो 186, 242, 524, 25 और 353, 353 टोटल कितना हो गया, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 3, 20 मीन्स 0, 2, 10, 10, 4, 14, 2, 16, 2, 18, 5, 23, 3, 3, 2, 5, 5, 10, 3, 13, 1330, अब 1330 को 5 से डिवाइड कर दो, भाई 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा 5, 5, 2, 10, 3 बचा, 33 हो गया, 5, 6, 30, 5, 6, 30 है ना। तो 266 और 266 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से बस क्या करना था कि आयात निर्यात का यहाँ पे अंतर लेना था, यहाँ पे सब जगह पांचों जगह आयात और निर्यात का अंतर लेना था, फिर उन सबका क्या ले लेना था, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, इसकी हाइट मान लेते हैं एच वन है, इसकी हाइट मान लेते हैं एच टू है, तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है एच वन, अपॉन इसका 1/2 बेस कितना है क्यू आर और हाइट कितनी है एच टू, तब ये एरिया का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, एच वन अपॉन एच टू, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, मतलब ये 5 तो ये 3, तो ये बचेगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू 5/3, 5 और 3 दिया है, इक्वल कितना हो गया 4/5, तो इससे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 4 × 3 नीचे हो जाएगा 5 × 5 कितना हो गया 12 और नीचे 25, तो इस तरीके से बच्चों बी सी और क्यू आर मतलब इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज के आधार का रेशियो क्या है, 12 और 25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ एन आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी फॉर द इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टेकन टुगेदर द लोवेस्ट इन द कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, किस वित्त वर्ष में निर्यातों और आयातों को मिलाकर हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है। तो देखो इन दोनों को मिलाना है, आयात निर्यात को, तो 8 × 4 कितना हो गया 12, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 8, 6, 1462, यहाँ पर देखो 4, 6, 10 मीन्स 0, 2, 2, 5, 7, 10, 12, 22 हुआ, यहाँ पर 7, 1, 8, 6, 3, 9, 16, 11, 27 यहाँ पर हो गया 3, 8, 11, 1, 4, 1, 5 ये हो गया, यहाँ पर 5, 8, 13, 3, 6, 16, 13, 29 ये आ गया, तो बता रहा है पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है। तो सबसे कम की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर परसेंटेज देखेंगे तो 50% के आसपास आ रहा है, यहाँ भी लगभग 35 से 40% के बीच में आ रहा है, यहाँ पर सबसे जो कम है वो कहाँ पर है, इसमें सबसे देखो ये 3051 ये 2963, तो सबसे कम जो वृद्धि हुई है प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है, तो यहाँ पर तो कमी हो रही है, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो कमी हो रही, तो सबसे कम जो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि की बात ऐसे जाएगा, इससे इसमें सबसे कम वृद्धि हो रही, तो इस तरीके से आंसर क्या जाएगा 2016-17, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। भाई देखो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वृद्धि शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से यहाँ पर कमी हो रही, तो ये तो अपने आप छूट गया, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। अब इधर का पार्ट बचा, तो इधर यहाँ से यहाँ 50% के लगभग वृद्धि हो रही, यहाँ 35 से 40 के बीच में, यहाँ सबसे कम 20% के आसपास वृद्धि हो रही, तो सबसे कम यहाँ पर है, 15 से 20% के बीच में वृद्धि हो रही, तो सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हो रही है, 2016-2017 में सबसे कम वृद्धि हो रही। तो इस तरीके से बच्चों ये जो पेपर था हम लोग का डिस्कस हुआ, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस हुए। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट
आप पेपर की। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पेपर का डिस्कशन पूरा एक एक क्वेश्चन का देखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट पेपर में क्या है वो देखते हैं। थैंक यू।